निकालने गई सर, ये देख सकते हैं 512 DMX है जो कि एसन कंपनी का है। सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो टॉप और दो सिंगल बेस के बारे में, साथ ही गई सर डीजे फ्लोर के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल पर इजीली देखकर समझ गए होंगे। तो गई सर, फाइनली आज की इस वीडियो में इस वाले सेटअप के ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे कि सेटअप के अंदर कितने वाटेज का टॉप है, टॉप के अंदर कितने वाटेज का स्पीकर है और बेस के अंदर कितने वाटेज का स्पीकर है, सारा कुछ डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मालूम चलेगा। साथ ही गई सर, इस टाइप के सेटअप को चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर का वो भाई यूज कर रहे थे, कैसा साउंड क्वालिटी आ रहा है, सारा कुछ आप लोगों को टेस्टिंग इस वाले वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो गई सर, इस टाइप के सेटअप को लेते हैं तो क्या हमें मिस्टेक करना नहीं चाहिए और क्या हमें मिस्टेक से सावधान रहना चाहिए ताकि हमारे सेटअप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फॉल्ट देखने को ना मिले, कैसे हम इस टाइप के सेटअप को कनेक्शन कर पाएंगे जो कि एक ही एम्पलीफायर पे दो टॉप भी चल रहा है, दो बेस भी चल रहा है, जो कि बेस के अंदर क्लियर आप लोगों को बेस का क्वालिटी सुनने को मिलेगा और टॉप के अंदर क्लियर आप लोगों को टॉप का क्वालिटी सुनने को मिलेगा। साथ ही गई सर, इस सेटअप के अंदर आप लोगों को पार लाइट और शार्पी लाइट भी देखने को मिल जाएगा। तो गई सर, शार्पी लाइट को किस वाले डीएमएक्स पे चल रहा है और पार लाइट किस वाले डीएमएक्स पे चल रहा है, तो गई सर कंप्लीट आप लोग इस वाले वीडियो पे बने रहेगा तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोगों को देखकर काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा कि एक सेटअप को कैसे कनेक्शन किया जाता है, क्या भाई ये मिस्टेक किया है, क्या हमें किस वाले पे कितने वाटेज का लोड देना चाहिए, एम्पलीफायर का पावर कितने ऊपर कितना पावर देता है, तो उसके मुताबिक हमें कैसा लोड देना चाहिए, तो कंप्लीट आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल PHTJ ब्लॉग नंबर 1 पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। दोस्तों, आप लोग अपने भाई को फॉलो नहीं किए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कैसे उसका यूजर आईडी आप लोगों की स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। आप लोग के मन में जो भी साउंड सिस्टम से रिलेटेड सवाल है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गई सर, यहाँ पर दो टॉप और दो सिंगल बेस का सेटअप लगा हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर 1500 वाटेज का एक सिंगल बेस स्पीकर फिट किया है, प्लस में टॉप के अंदर 500 वाटेज का यहाँ पर स्पीकर है, प्लस में HF है। साथ ही गई सर, यहाँ पर आप लोगों को शार्पी लाइट और यहाँ पर पार लाइट देखने को मिल जाएगा। इस वाले टॉप में भी 500 वाटेज का ही स्पीकर फिट है और इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर 1500 वाटेज का स्पीकर फिट है। ये बेस काफी ज्यादा पंच निकाल कर देगा। दोस्तों, ये है 512 DMX कंट्रोल जो कि SM कंपनी का है, इस पे अभी शार्पी लाइट वर्क कर रहा है। साथ ही गई सर, यहाँ पर एक और आप लोगों को DMX 512 का ही मॉडल देखने को मिलेगा जो कि इस पे पार लाइट वर्क कर रहा है। और गई सर, यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का मिनी 6U मॉडल नंबर का ये मिक्सर है जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का मिक्सर है DJ बजाने के लिए। साथ ही गई सर, यहाँ पर इस सेटअप को चलाने के लिए, पावर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 5 KVA का स्टेबलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का स्टेबलाइजर है, अच्छा लोड ले लेता है। दोस्तों, यहाँ पर स्टेन का एक पेटी देखने को मिलेगा जो कि स्टेन का ही यहाँ पर शार्पी लाइट यूज हो रहा है। तो कई सर, ये सेटअप एक फंक्शन के अंदर लगा हुआ है जो कि लॉज के सिस्टम में लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग जो ये बीम देख रहे हैं जो कि ये गोला चल रहा है, ये शार्पी का ही है जो कि इस वाले शार्पी के माध्यम से इसका फोकस उस वाले दीवार के ऊपर किया गया जो कि डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट दे रहा है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर DJ फ्लोर का भी यूज़ किया गया जो कि ये DJ फ्लोर काफ़ी पुराने ही मॉडल का है लेकिन काफ़ी अच्छा ग्लो करता है। इसके अंदर काफ़ी सर आप लोगों को फीचर और फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। ये तो जो DMX है इस पे शार्पी लाइट चल रहा है जो कि आगे मैंने बताया। और गई सर, कुछ इस प्रकार से मिक्सिंग कंसोल यहाँ पर किए हैं भाई ने और यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का मिक्सर काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही गई सर, जो एम्पलीफायर है जो कि मेन पॉइंट है, एक ही एम्पलीफायर पर दो टॉप और दो बेस चल रहा है जो कि RMS 4050 HD मॉडल नंबर पर यूज हो रहा है जो कि QSC आप लोगों को एम्पलीफायर की तरफ से देखने को मिल जाएगा। तो ये एम्पलीफायर 4500 वाटेज का है जो कि आप लोगों को पता है कि 2 ओम पे 2200 वाटेज से ऊपर निकाल कर दे देगा। साथ ही गई सर, यहाँ पर ये 4 ओम पे इजीली आप लोगों को 1500 वाटेज निकाल कर दे देगा। तो गई सर, यहाँ पर भाई ने काफ़ी ज़्यादा लोड दिया है जो कि आप लोगों को पता है कि दो बेस यहाँ पर 3000 वाटेज का और है, तो यहाँ पर कहाँ से 4 ओम पे 3000 वाटेज मेंटेन्स करेगा। साथ ही गई सर, यहाँ पर भाई ने 2 ओम पे 2200 वाटेज का लोड दिया, तो एक चैनल पर तो लोड ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पर दूसरे चैनल पर जो बेस चल रहा है उसके लिए लोड यहाँ पर बिल्कुल ही सही नहीं है। तो एम्पलीफायर पर थोड़ा लोड आप लोग कम ही डालिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बीम है इस वाले शार्पी लाइट का है जो कि स्टन का काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का शार्पी है, काफ़ी दूर तक इसका फोकस देखने को मिल जाता है। साथ ही गई सर, यहाँ पर कुछ पार लाइट भी यूज किया गया है जो कि DMX कंट्रोल पे चल रहा है, कुछ इस तरीके से स्टैंड के ऊपर इसको सारा कुछ फिटिंग किया गया है। तो गई सर, कुछ आगे से आप लोगों को फ्रंट व्यू पार लाइट का और यहाँ पर शार्पी लाइट का इस टाइप से देखने को मिल जाएगा जो कि सारे ही DMX कंट्रोल पर चल रहा है।
चलिए कि सर अब हम इस वाले सेटअप का साउंड टेस्ट करते हैं कि इसका साउंड टेस्ट कैसा क्वालिटी सामने से थ्रो पंच ये कैसा दे रहा है। वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। दोस्तों अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या कहीं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां पर भी आप लोग डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं जिसका रिप्लाई आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।